हे हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रोबोशाला। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे मिलीज और डिले के बारे में। अगर आप आर्डिनो पे कोडिंग करते होगे तो आपको डिले के बारे में काफ़ी पता होगा। अगर आपने एक कभी भी ब्लिंक का स्केच अपलोड किया होगा तो वहाँ आपने देखा हो कि आप डिजिटली उस पिन को हाई करते हो और लो करते हो और उसके बीच में आप एक डिले इंटरवल देते हो। तो डिले इंटरवल में क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है यानी माइक्रो कंट्रोलर है वो स्टक होता है, तो वो रुका रहता है। उसके बाद आपको एक डिले की यानी ब्लिंक की एक इफेक्ट मिलती है। लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जहाँ आप डिले नहीं यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं और उसके एडवांटेजेस क्या है उसे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूँ ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओ और नेक्स्ट टाइम अगर आप कोड करो तो आपको पता हो कि डिले कहाँ यूज़ करना है और मिलीज कहाँ यूज़ करना है। तो आगे देखते हैं। ये रहा हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो जो सबसे पहली कंडीशन है कि जो एलईडी है वो ब्लिंक करनी चाहिए एवरी 10 सेकेंड्स, यानी यहाँ जो एलईडी है वो हर दम 10 सेकेंड्स पे ब्लिंक करे। और जो दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है डिटेक्ट करे इंट्रूडर। इंट्रूडर हमारा एक कोई भी अनऑथराइज पर्सन, जैसे कि चोर हो गया, ठीक है। सो डिटेक्ट इंट्रूडर विथ अ PIR, तो हमारे पास यहाँ एक PIR सेंसर लगा हुआ है। सो ये डिटेक्ट होना चाहिए। तो टोटल ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें आपको एक LED जो है उसको एवरी 10 सेकेंड तक ब्लिंक करवाना है, ठीक है। मतलब 10 सेकेंड तक ऑन रहेगी फिर ऑफ होगी। और यहाँ एक PIR सेंसर है जो इंट्रूडर को डिटेक्ट करे। और यहाँ एक डायमंड है जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इसमें ड्रॉबैक देखते हैं। अगर आप डिले का यूज़ करते हो और ब्लिंक के लिए आप 10 सेकेंड का डिले देते हो, सो 10 सेकेंड तक जब भी ये स्टक होगी, यानी अगर मान लो हाई हो गई फिर उसको लो होना होगा, ठीक है। सो 10 सेकेंड तक जब ये डिले फंक्शन हमारा रन कर रहा होगा तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर स्टक है, यानी PIR से जो इनपुट आ रही होगी कंट्रोलर में, हमारे आर्डिनो हो गई या फिर ESP हो गई, सो वो उसको अब डिटेक्ट कर नहीं रहा। उस समय क्या होगा, हमारा चोर आएगा, डायमंड लेके चला जाएगा। सो डिले हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ जो जनरल फिट होगा अच्छे तरीके से वो होगा मिलीज। सो उसे अब समझते हैं कोडिंग के थ्रू। अगर हमें कोड लिखनी है डिले के अप्रोच से, तो वो कोड कुछ इस तरीके से होगी। वॉइड सेटअप में सबसे पहले हम पिन को इनिशियलाइज करेंगे। वॉइड लूप में हम गेट PIR रीड, यानी PIR सेंसर से रीडिंग लेंगे, फिर LED को हाई करेंगे, डिले करेंगे और फिर LED को लो करेंगे। तो ये हमारा जो कोड है वो ब्लिंकिंग इफेक्ट देगा। लेकिन जब भी हमारा जो डिले यहाँ यूज़ होगा 10 सेकेंड के लिए, उसमें हमारा PIR जो है उसकी रीडिंग्स हमें नहीं मिलेगी, यानी माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा जो भी है कोड है वो स्टक है, यानी ये ब्लॉक कर रहा है कोड। हमारा डिले जो है वो ब्लॉक कर रहा है कोड को। और इसके बीच में क्या होगा कि जो हमारा इंट्रूडर यानी चोर है वो डायमंड लेके चला जाएगा। और इस तरफ अगर आते हैं हम मिलीज के कोडिंग अप्रोच में, सो वॉइड सेटअप में वैसे ही किया हुआ है, पिन इनिशियलाइज हमें करना है, जैसे LED की पिन हो गई, PIR की पिन हो गई। फिर मैंने यहाँ अनसाइंड लॉन्ग लिया हुआ है एक प्रीवियस मिलीज, जिसे जीरो डिक्लेयर किया हुआ है। फिर हमारा इंटरवल जो है वो 10 सेकेंड का है, इसलिए ये 100 मिली सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 सेकेंड होता है, तो यानी 10 सेकेंड 10,000 हो गई। उसके बाद वॉइड लूप में अगर आप देखोगे तो गेट PIR रीड लिया हुआ है, अनसाइंड लॉन्ग करेंट मिलीज इक्वल्स टू मिलीज। सो मिलीज फंक्शन क्या है, वो जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ सो वो काउंटर, जब स्टार्ट होने के बाद से अभी तक कितना टाइम जा चुका है वो काउंट करके यहाँ स्टोर कर देगा, यानी करेंट मिलीज में स्टोर कर देगा। सो अभी देखो आप क्या हो रहा है। इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर ये कोड कब जाएगी, करेंट मिलीज हमारी क्या है, लेट अस से कि अभी यहाँ 0 सेकेंड हुआ, ठीक है। हमारा अभी जस्ट टाइमर स्टार्ट हुआ, 0 सेकेंड माइनस प्रीवियस, यानी क्या है, 0 था हमारा प्रीवियस वैल्यू, वो क्या ये ग्रेटर है 10 सेकेंड से, नहीं है, तो इस कोड में नहीं जाएगी। वापस से वो PIR सेंसर की डेटा ले रही है, वापस से इधर आई, लेट अस से कि सेकेंड टाइम यहाँ हमारा 2 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। फिर अभी क्या है, हमारा करेंट जो मिलियस है, मतलब करेंट मिलीज है, वो 2 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 10 नहीं है। सो ये वापस से कितनी बार, 5 बार गई, और लेटेस्ट से इस बार यहाँ 10 सेकेंड्स हो गया, ठीक है, 10 सेकेंड्स हुआ। यानी 10 सेकेंड्स होते वक्त भी हमें ये जो लूप है हमारा रन कर रहा है और हमें PIR की वैल्यू मिल रही है। लेटेस्ट से 10 सेकेंड हुआ, 10 सेकेंड होने के बाद क्या होगा, हमारा करेंट मिलियस 10 सेकेंड हो गया, प्रीवियस मिलियस अभी भी 0 था, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड के इक्वल हो गया, इस लूप के अंदर गया। हमारी जो LED है उसे हम लोगों ने हाई या लो जिस तरह से स्टेट किया हुआ था उस तरह से किया। करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो प्रीवियस मिलीज, यानी पहले हमारा 0 था काउंटर, मतलब जो टाइमर था वो 0 था प्रीवियस वैल्यू, अब वो क्या हो गया, यहाँ करेंट स्टेट करेंट मिलीज में चेंज हो गया, यानी 10 हो गया।
10 सेकेंड्स हो गया। सो इसकी वैल्यू हमारी 10 सेकेंड्स हो गई अभी, ठीक है 10 हो गई। उसके बाद ये वापस से लूप चलेगा, अब कितनी यहाँ कितनी हो गई हमारी 12 सेकेंड्स, ठीक है ठीक है 12 सेकेंड्स हो गई। अब 12 माइनस 10 क्या बड़ा है या फिर इक्वल है 10 के? नहीं है। सो ये वापस से क्या होगा, चलेगा 5 बार, 5 बार चलते ही यहाँ कितना हो गई मिलीज की, करंट मिलीज की वैल्यू कितनी हो गई 20, और प्रीवियस मिलीज की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 10 थी, ठीक है तो 20 माइनस 10 10 हो गई। इस लूप के अंदर जाएगी, फिर इस एलईडी को ब्लिंक करवाएगी, और इस समय भी हमारा जो आईआर गेट रीड आईआर है वो लूप से निकलते ही चल रही है। इसका मतलब यहाँ नॉन ब्लॉकिंग कोड है, यानी यहाँ जो हमारा आईआर की डेटा है, पीआईआर की जो डेटा है वो ब्लॉक नहीं हो रही है और हमें कंटिन्यूअसली मिल रही है। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लास्ट प्रीवियस वैल्यू जो है उसको करेंट प्रीवियस वैल्यू कर दे रहे हैं इसके अंदर, यानी हर दम हमारा जो स्टेप है वो 10 सेकेंड का स्टेप है। सो जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा और अप्रोच को देखा कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और डिफरेंसेस क्या है दोनों के कोडिंग में, अब जाते हैं एक एग्जाम्पल कोड में जो कि आर्डिनो के आईडीई में अवेलेबल है, जिसका नाम है ब्लिंक विदाउट डिले, और उसमें आप मिलीज के कोड फ्लो को एकदम अच्छे से समझ सकते हो। तो उसे एक बार मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसे अपलोड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आना है हमें फाइल में और एग्जाम्पल्स में जाना है। एग्जाम्पल्स में डिजिटल के अंदर आपको ब्लिंक विदाउट रिले की एक कोड मिलेगी। ये कोड जो है हमारा सिमिलर है जिस कोड को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो आप देख सकते हो सबसे पहले तो अनसाइंड प्रीवियस मिलीज लिया हुआ है, उसे इनिशियलाइज कर दिया है 0, और हम लोगों के प्रीवियस कोड में हम लोगों ने इंटरवल को 10 सेकंड लिया हुआ था, यहाँ 1 सेकंड लिया हुआ है क्योंकि जो एलईडी है वो 1 सेकंड के लिए ब्लिंक कर रही है। फिर वॉइड सेटअप में पिन की इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद वॉइड लूप में आप देख सकते हो अनसाइंड लॉन्ग करेंट मिलीज, ठीक है। सो करेंट मिलीज जो है वो हमारा जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो उस वो यहाँ स्टोर हो रही है, मतलब टाइमर यहाँ स्टोर हो रहा है। उसके बाद हम लोग इफ में उसे कंपेयर कर रहे हैं करंट मिलीज को प्रीवियस मिलीज में, और वो अगर इंटरवल से इक्वल या फिर उससे बड़ी है तब इस लूप के अंदर जाएगी, और इस लूप में भी हम लोग प्रीवियस मिलीज को करंट मिलीज कर रहे हैं। सो ये जो लूप है वो एवरी 1 सेकेंड रन कर रहा है। सिमिलरली प्रीवियस जो कोडिंग अप्रोच हम लोगों ने देखा वहाँ ये हर 10 सेकेंड में रन कर रहा था। सो आप इसे अपने आर्डरिनो या फिर अपने ESP32 पे या नोड MCU पे अपलोड करके देख सकते हो एक ब्लिंक अपने LEDs की विदाउट यूजिंग डिले। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।